आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो आज हम सब भजन संहिता 23 अध्याय को वचन को देखेंगे और वचन से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए क्या कहता है। जैसा कि दोस्तों आज हम सब सारे लोग हैं जो आज परेशान हैं, चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हर एक प्रकार के मन में है जो बातें हैं जो चलते रहता है। लेकिन दोस्तों आज जो वचन को आज हम सब देखने वाले हैं भजन संहिता 23 को, उसमें हम सब साफ साफ देखेंगे कि भजनकार जो दाऊद हैं अस्पष्ट रूप से परमेश्वर को अपने चरवाहा के रूप में कहते हैं, परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं और कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तो दोस्तों आज हम सब इस वचन से सीखेंगे कि क्या हम परमेश्वर को अपने चरवाहा के रूप में स्वीकार किया है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो उनको अपने चरवाहा माने हैं, उनको अपने चरवाहा के रूप में अंगीकार और स्वीकार किया है। अगर दोस्तों नहीं किए हैं तो आज के वचन से आज है जे आप जरूर है जे उन्हें कर पाएंगे, क्योंकि आज का वचन चरवाहा को कैसे है जे हम स्वीकार करें। आज चरवाहा जब स्वीकार करते हैं तो हमारा विश्वास और भरोसा उनके ऊपर कैसा हमें रहना चाहिए, इसके विषय में आज हम वचन से सीखेंगे। तो चलिए हम पहले वचन को देखते हैं कि भजन संहिता 23 अध्याय क्या बातें करती है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह से जब भी नए वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंचे और उस वीडियो के द्वारा आप आशीष मैं हो सके। तो दोस्तों चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि भजन संहिता 23 अध्याय में बातें करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। तो दोस्तों जब हम वचन को पढ़ते हैं 1 से लेके 4 तक पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ वचन बताती है कि हमारा परमेश्वर है जो क्या है, चरवाहा है, और वह मुझे किसी चीजों को घटी नहीं होने देगा और वो हमेशा है जे हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, उस जगह लेके चलता है जहाँ भरपूरी से भोजन मिल सके, भरपूरी से पानी मिल सके, भरपूरी से खाना मिल सके, और वो हमें जी में जी ले आता है, अपने धर्म के मार्गों पे हमें नियमित अगुवाई करता है। दोस्तों इसमें जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ वचन बताती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रिय दोस्तों आज हम सब के जीवन में कुछ न कुछ उतराव चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि सब दिन एक समान होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा जीवन में होता है प्रियो कि जब हमें आशीष मिलता है, जब हम फलवंत होते हैं, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम परमेश्वर को हम है जो उनको चरवाहा के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी समय आता है प्रियो कि हमारे और आपके जीवन में उतराव चढ़ाव का जीवन हो जाता है, कुछ घटी कमी और परेशानी का जीवन आता है। लेकिन प्रियो क्या उस समय भी हम प्रभु को अपने स्वीकार करते हैं चरवाहा के रूप में, जैसा कि भजनकार दाऊद है जो उन्हें साफ साफ कहते हैं कि वही मेरा चरवाहा है, सुख दुख हर समय वो मेरा चरवाहा है और चरवाहा रहेगा। और आगे ये भी कहते हैं कि चाहे मेरे जीवन में किसी भी तरह के कोई परेशानी क्यों ना आ जाए, घोर अंधकार मतलब जीवन में परेशानी मुसीबत कुछ भी आए, लेकिन वो कहता है कि तो भी हानि से ना डरूंगा। मेरे प्रियो दोस्तों हम आपको है जी ये मन में हमेशा ठान के रखना होगा, क्योंकि जीवन एक दिन का जीवन नहीं होता है,
जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हम आपको लिए इस संसार में लाया है। और जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो घटित होती है, कभी अच्छा कभी जीवन में बुरा भी होता है, कभी जीवन में खुशी भी आती है कभी जीवन में दुखी भी आती है, लेकिन उस समय परमेश्वर को अपने चरवाहा के रूप में स्वीकार करें, परमेश्वर को कहें कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, बहते झरने के पास ले चलता है, मुझे जी में जी ले आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वही है जो सब कुछ करने वाला है। और जब हम उसको अपने चरवाहा के रूप में स्वीकार करते हैं प्रियो, तो हमें उस पर भरोसा भी करना होगा। जब उन पे हम भरोसा करेंगे तभी हम उनको स्वीकार कर रहे हैं कि वो मेरा चरवाहा है। और हम चरवाहा स्वीकार कर रहे हैं और भरोसा नहीं कर रहे हैं, तब किसी काम का है जो हमारे जीवन में कोई फल नहीं होगा। जैसा कि भजन संहिता 37 के 3 आयत से जब पढ़ते हैं तो वचन कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। प्रिय दोस्तों, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है और हमेशा है जो हमें भलाई करना है। ये नहीं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करें, लोगों के साथ अच्छा से बातचीत और रहन सहन को अपना चाल चलन को बिगाड़ लें। नहीं दोस्तों, वैसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और आगे को कहता है कि देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। और दोस्तों, जहाँ पे परमेश्वर रखा है, जिस स्थान पे रखा है, वहाँ रहें और सच्चाई के मार्गों पे हमें चलते रहें, सच्चाई में मन को लगाए रहें। मिले या ना मिले, कुछ हो जीवन में या ना हो, लेकिन हमें ये भरोसा रखना है कि हमें परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं उसके वचन में बना रहूँगा, मैं उसकी आज्ञा में चलूँगा, मैं उनकी शिक्षा में चलूँगा। हमें परमेश्वर जैसे हमें ले चले, मुझे स्वीकार है। जैसा कि दोस्तों 4 आयत कहता है, यहोवा को अपने सुख को का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और दोस्तों, जो भी आपके जीवन में सुख दुख जो भी हो, आप अपने परमेश्वर को मूल्य जाने, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा चरवाहा है, वही मेरा भरोसा के योग्य है, मैं उस पर भरोसा रखा हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भेड़ के चरवाहा रहते हैं, वो भेड़ को किस तरह से अजय रखवाली करते हैं। दोस्तों, हमेशा उनके भरपूरी से खाना के लिए उन्हें हरी हरी चराई में ले जाते हैं, उनको ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहाँ उनके भरपूरी से पानी पीने को मिले। तो दोस्तों, जब मनुष्य होकर के भेड़ों के लिए इतना देखभाल कर सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हम सबों को क्यों छोड़ देगा, हम सबों को क्यों नहीं पानी समय पर देगा, क्यों नहीं समय पर हम लोग को भोजन खाना देगा। इसलिए दोस्तों, हमें उनको चरवाहा के रूप में जब स्वीकार करते हैं तो हमें उन पे भरोसा भी करना होगा। जैसा कि 5 आयत कहता है, अपने मार की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। दोस्तों, आज हम सबका जीवन क्या है, जीवन की चिंता अपने लिए फिरते हैं, जीवन की चिंता अपने ऊपर रख करके आपने सोचते हैं कि मैं इस जीवन की चिंता को दूर कर दूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कभी भी चिंता को दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस जीवन की चिंता को यहोवा पे छोड़ें, परमेश्वर पे छोड़ें। वही है जो हम आपको है जे इन सारी चिंताओं से दूर करेगा, वही है जे हर एक मनोरथों को आपको पूरा करेगा। उस पर भरोसा रखें, उसको ऊपर जब आपने अपने चरवाहा के रूप में आप स्वीकार किया है, तो आप उस पर भरोसा भी रखना सीखें। जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, तभी है जे आपको जीवन में है जे सारे काम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वही है जे पूरा करेगा, कोई और संसार नहीं पूरा कर सकता है, कोई संसार आपके जीवन में सुख और शांति नहीं दे सकता है। प्रियो, सुख और शांति देने वाला है तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, वही अजय आपको और हमारे को सुख शांति देगा। जैसा कि दोस्तों इस विषय में यीशु मसीह भी साफ साफ कहे हैं कि मैं ही अच्छा चरवाहा तुम्हारा हूँ, मैं ही तुम्हें अजय ख्याल रखने वाला हूँ, मैं तुझे देखभाल करूँगा और मैं ही तुम्हारे लिए प्राण भी दिया है।
तो दोस्तों, जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार जब 10 अध्याय को निकालते हैं तो 11 आयत से पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह वहां कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा का ये गुण होता है कि वो अपने भेड़ों को हर समय है जो वो रखवाली करता है, देखभाल करता है और अपने भेड़ों के लिए हमेशा डटा रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि 12 आयत में कहते हैं, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िये को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो दोस्तों, जिसे आप अपने चरवाहा के रूप में अब तक मान रहे हो, वो आपके लिए जान और प्राण नहीं दे सकता, आपके लिए वो टीका नहीं रहेगा। आपके लिए टीका हुआ वही रहेगा जो आपका सच्चा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जे प्राण दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है। और सच में प्रियो, उन्होंने जे हम सबों के लिए अपने प्राण को दिया है, अपने लहू को बहाया और प्रभु ने हम सब के लिए सूली पे अपने प्राणों को दिया, वो हम सबको बचाने के लिए, हम सबों को छुड़ाने के लिए और हम सबों के लिए उन्होंने जे साफ कहा कि मैंने तुझे दाम दे करके खरीद लिया है। तो दोस्तों, आज का वचन यही बताता है। भजन संहिता जब 23 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन साफ साफ यही कहता है कि यहोवा को अपने चरवाहा के रूप में स्वीकार करें, और जब चरवाहा के रूप में स्वीकार करते हैं तो भजन संहिता 37 अध्याय में साफ कहता है कि उन पे भरोसा रखें और उनमें बना रहें और उनके बताए हुए मार्गों पे भलाई हमेशा करते रहें, सच्चाई से जीवन जीते रहें। परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको जरूर है जे उस जगह पे खड़ा करेंगे जहाँ परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। जैसा कि यीशु मसीह भी साफ साफ कहें कि मैं ही तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ, सच्चा चरवाहा हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देता हूँ। तो प्रियो, आज के जो वचन है, इस वचन से निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह को अपने चरवाहा के रूप में स्वीकार करें। और जब चरवाहा के रूप में आप स्वीकार करते हैं तो आप भरोसा भी रखें कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह ने कहा है कि जब मुझ में तुम बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। तो दोस्तों, हम आपको प्रभु की ओर हमेशा है जी अपने भरोसा को बनाए रखना है और उनको चरवाहा के रूप में अपने आप को स्वीकार करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाया है। अगर आशीष को पाए हैं तो आप है जी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, अब तक अगर वीडियो को लाइक आपने नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर दबा दें ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।